हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ है आधुनिक इंग्लिश बोलना सीखो। आधुनिक इंग्लिश का मतलब वह इंग्लिश जो बोलने में आसान हो, लिखने में आसान हो और आप जो कहना चाहते हैं वो आप आसानी से कह पाएँ, तो यही आधुनिक इंग्लिश है। अब जैसा कि आप यहाँ देखते हैं, यहाँ तीन वाक्य हैं और पहला है सिर्फ तुम ही तो हो, दूसरा है सिर्फ मैं ही तो हूँ और तीसरा है सिर्फ वह ही तो है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब आपको बोलना होता है तो कितनी बार आप अटक जाते हैं कि कैसे बोलें। एक बात को कहने का बहुत तरीका होता है, बहुत तरह से आप एक बात को कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सिर्फ तुम ही हो, सिर्फ तुम ही तो हो, सिर्फ मैं ही तो हूँ या सिर्फ वही तो है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तो आगे हम देखते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं सेंटेंस है सिर्फ तुम ही तो हो, मतलब कोई और नहीं, सिर्फ तुम ही तो हो। तो इसके लिए हम सेंटेंस बोलेंगे इट इज़ यू ओनली। और जो भी सेंटेंसेस मैं आपको देता हूँ अपने वीडियोस में, उन्हें आप बखूबी लिख सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप केवल बोल सकते हैं और लिख नहीं सकते। कितने स्टूडेंट्स या कितने लोग सोचते हैं कि जो हम बोलते हैं वो लिख नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आप ग्रामेटिकली सही बोल रहे हैं तो उसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप सही बोल रहे हैं और सही लिख रहे हैं। और फ्रेंड्स, पहले सेंटेंस की तरह ही हम देखते हैं कि किसी को खास या किसी विशेष के लिए कहते हैं तो हम इट इज़ लगाते हैं। और प्राइमरी ग्रामर में आप पढ़ते हैं इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ जान पाएंगे। तो किसी खास को, किसी विशेष को कहने के लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ है सिर्फ मैं ही तो हूँ, तो इसको हम कहते हैं इट इज़ आई ओनली। और एक बात और, एक सेंटेंस को आप बहुत तरीके से कह सकते हैं, लेकिन ये जो मैं सेंटेंसेस आपके लिए दे रहा हूँ ये बहुत आसान है, बोलने में आसान, लिखने में आसान, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता चला जाएगा। इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करेंगे तो लोग आपकी बात को समझ नहीं पाएंगे, बल्कि सोचने लग जाएंगे कि ग्रामेटिकली वो कितना सही है। तो यह बहुत अच्छा सेंटेंस है, सिर्फ मैं ही तो हूँ, मतलब इट इज़ आई ओनली। और फ्रेंड्स, यहाँ हम देखते हैं सिर्फ वह ही तो है, तो वह हम लड़की के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लड़का के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वह लड़का के लिए है, लेकिन आप ही की जगह शी बखूबी यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटेंस है सिर्फ वह ही तो है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ ही ओनली। और मेरे साथ साथ आप बोलेंगे तो आपको और मज़ा भी आएगा। तो सिर्फ वह ही तो है, इसको हम कहेंगे इट इज़ ही ओनली। और आप यहाँ देखते हैं सिर्फ लड़के ही तो हैं, तो लड़के हैं तो बॉयज़ हम कहेंगे, लेकिन लड़कियाँ होंगी तो आप गर्ल्स कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ लड़के ही तो हैं, तो इसको हम कहेंगे इट इज़ बॉयज ओनली। और अंत में जब कमेंट बॉक्स आए तो आप अपनी तरफ से एक सेंटेंस जरूर बनाकर देखें, और मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो इसको हम कहते हैं इट इज़ बॉयज ओनली। और फ्रेंड्स, यहाँ हम देखते हैं सिर्फ हम लोग ही तो हैं, तो आप समझ गए होंगे हमें केवल वी लगाना है। तो सिर्फ हम लोग ही तो हैं, तो इसको हम कहेंगे इट इज़ वी ओनली। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बनाएंगे तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन जब आप बोलें तो क्लियरली बोलें और ध्यान रखें कि आपका प्रोनंसिएशन भी अच्छा हो, इससे प्रभाव पड़ता है। तो फिर अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।